नमस्कार साथियों, आपका लवली पाल किचन क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। चलो तो आज मैं बनाती हूँ करेला। सबसे पहले मैंने करेला आधा हाफ के जी मेरा करेला है, मैंने उसको अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद में मैंने उसको पिलर की मदद से छील लिया है। अब उसको मैं गोल शेप में, ये देखिए सर्कल शेप में मैं इसको कट करूंगी। ताजा करेला है तो आसानी से कट हो रहा है। ये देखिए मैंने सारे करेले को कट कर लिया है। कट करने के बाद में इसमें जो कड़वापन होता है उसको कम करने के लिए आप इसमें हल्दी नमक डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। जिसमें कड़वापन होता है तो वो पानी के रूप में निकल जाता है। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे करेले में हाथों की मदद से। मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में मैं इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका जो कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए और नमक भी जो होता है वो अंदर तक करेले के चला जाता है, करेला एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैंने एक चम्मच राई लिया है, काला राई है, कलौंजी लिया है एक चम्मच, हाफ चम्मच जीरा लिया है, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, हींग लेंगे, 2 प्याज कट किए हैं, 2 मैंने कच्चा आम कट किया है और 4 हरी मिर्ची लिया है। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा मसाला था मेथी राई धनिया ये जीरा कलौंजी सारी चीजों को रोस्ट कर लेंगे, पैन में डालेंगे। इसको ज्यादा नहीं भूनना है, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हो जाएगा तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने प्याज को, और आप चाहें तो अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए सभी चीजों को कट करके अच्छे से ग्राइंडर में डालेंगे और जो मैंने सारे मसाले रोस्ट किए थे उसको भी डालेंगे। कच्चा आम, प्याज, हरी मिर्ची, आप चाहें तो उसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया है। और सारे मसाले रोस्ट किए हुए जार में डालेंगे। अब इसको इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, थोड़ा पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए मैंने ज्यादा इसका पतला पेस्ट नहीं बनाया। अब ये देखिए जो मैंने करेले को मैरिनेट करके रखा था हल्दी और नमक में, उसका मैंने पानी ड्रेन कर लिया। पानी ड्रेन करने के बाद में जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको उसी करेले में ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने करेले में ऐड कर दिया है सारे पेस्ट को। पेस्ट को ऐड करने के बाद में मिर्ची नमक आप अपने टेस्ट अनुसार लें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक, सारी चीजें पेस्ट को, सभी चीजों को करेले में ऐड मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में मैंने इसको 2 मिनट के रख दिया अब मैं वही पैन लूंगी। पैन में सरसों का तेल डालेंगे। इसमें सरसों का तेल ही से करेले अच्छे बनते हैं। अगर आप और कोई तेल लेंगे तो उसमें करेले का टेस्ट वो अच्छा नहीं आएगा। सरसों का तेल आप अपने अनुसार लेंगे, ज्यादा तेल नहीं लेना, नहीं तो फिर ऑयली हो जाएगा। तेल जब गर्म हो जाएगा तो जो सारी चीजें करेले में मिक्स करके रखी थी करेले को तेल में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में इसको लो फ्लेम में गैस को रखना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसको ढक के रख देंगे। ढक के रखने के बाद में इसको हर 10 मिनट में इसको चलाते रहना ताकि यह पैन में नीचे लगे ना। ये देखिए मैं बार बार पैन 10 मिनट बाद में पैन को करेले को चलाती रहूंगी। फिर भी देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे जो मसाला है वो नीचे लग गया है। करेला जब पक जाएगा तो इसको प्लेट में सर्व कर लीजिए। ये देखिए करेला बनके बिल्कुल रेडी है। इसको
रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए करेले की रंगत बहुत ही टेस्टी खट्टा खट्टा लगता है। थैंक यू।